अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 69, हमारे पास स्लाइड नंबर है 550। जब हम एग्जांपल्स ऑफ कोसेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप है वो है S3। ठीक है, S3 ये सिमेट्रिक ग्रुप है जो हमने पढ़ा था, सेट ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, अब 3 इसमें एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसमें कितनी परम्यूटेशंस होंगी, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 एलिमेंट्स है, इसमें 6 परम्यूटेशंस है। ठीक है, अब हमने इसका एक सब ग्रुप ले लिया है जिसका जनरेटर है 2, 3, एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अब हमने H किसके इक्वल कर दिया, 2, 3 हो गया। इसमें एलिमेंट्स किस तरह से हैं, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी है और 2, 3 है, ये 23 नहीं है, 2, 3 है। ठीक है, जनरेटर है 2, 3। ठीक है, ये इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास। फिर हमने जी परम्यूटेशन चेक की, हमने जी एप्सिलॉन के साथ के लेफ्ट हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हमने एप्सिलॉन के साथ किया, एप्सिलॉन क्या है, आइडेंटिटी, एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन और 2, 3 एज इट इज आ गया, यानी कि एच वही आ गया। हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी से, वही नंबर आ जाता है ना, तो वो आ गया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, 2, 3 से। यहाँ पे ये 1, 2, 3 क्या है, ये परम्यूटेशन है। ठीक है, इस परम्यूटेशन को अब फर्स्ट एलिमेंट हमने एच के साथ करना है मल्टीप्लाई। अब एच के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के साथ जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगी, परम्यूटेशन एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2, 3 के साथ। ठीक है, परम्यूटेशन को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम दोबारा से देख लेते हैं। जी देखिए, हमारे पास क्या परम्यूटेशन दी हुई है, उन्होंने 1, 2, 3 साइकिल दिया है। ठीक है, इसे परम्यूटेशन कैसे बनाते हैं, 1, 2, 3 एलिमेंट्स तो यही रहेगी फर्स्ट रो में। ठीक है, सेकंड रो में कैसे बनेगा, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 1 है। ठीक है, ऐसे ही साइकिल बनाते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर में हमने परम्यूटेशन में ही देखा। ठीक है, वैसे मैंने इमेज बना ली, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1 आ गया। ठीक है, ये परम्यूटेशन हमारे पास बन गई। उसके बाद दूसरी परम्यूटेशन में सिर्फ उन्होंने 2, 3 दिया हुआ। ठीक है, एलिमेंट्स तो यही है 1, 2, 3। ठीक है, अब 1 तो है ही नहीं है, तो 1 का इमेज हम 1 ही बना लेंगे। ठीक है, तो 2 का इमेज क्या है, 3, 3 का इमेज क्या है, 2, यानी 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2। अब इन दोनों परम्यूटेशन को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐसे ये परम्यूटेशन लिख ली, ये हमारे पास 1, 2, 3 वाली परम्यूटेशन और ये 2, 3 है। ठीक है, 1 का इमेज अब देखिए फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी 1, 2, 3, और मल्टीप्लीकेशन में जब 1 का इमेज क्या है 1, और यहाँ पे अब देखना है 1 का इमेज क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने राइट वाली परम्यूटेशन में देखना है 2 का इमेज क्या है 3, फिर इस 3 को इस वाली परम्यूटेशन में चेक करना है, ये रहा 3, 3 का इमेज क्या है 1, 1 यहाँ पे लिख दिया, फिर 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने साइकिल बना लिया, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, ये एक साइकिल बन गया, और 3 जो है 3 का इमेज 3 हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो एक लेंथ वाला एलिमेंट होता है ना, वो साइकिल नहीं होता, इसे हम वैसे निकाल देते, तो हमारे पास फिर क्या रह गया आंसर 1, 2। ये तो देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 1 और 2। इसी तरह से हमने अब 1, 3, 2 लेना है, यानी 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 1 है। ठीक है, इसे एज इट इज सेकंड रो ना बना दीजिएगा परम्यूटेशन की। ठीक है, ओके, अब हमने एच से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एलिमेंट क्या है एच का, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से जब किया तो एज इट इज आ गई ये परम्यूटेशन। ठीक है, फिर 2, 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इस परम्यूटेशन को, तो हमारे पास आंसर आएगा 1, 3। ठीक है, 2 का इमेज 2 ही बन जाएगा, इसलिए हम उसे निकाल देंगे, तो ये फिर हमें हमारे पास बनेगा 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, इसे आप करके देखिएगा। ठीक है, ओके, ये हमारे पास परम्यूटेशन बन गई है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इन तीनों, सॉरी, हमें हमारे पास कोसेट्स बन गए हैं। ठीक है, लेफ्ट कोसेट, अब इन तीनों का अगर हम यूनियन करें तो हमारे पास ये सेट S3 ही आ जाए। जब हम राइट कोसेट देखेंगे इसी जनरेटर 2, 3 के साइकिल के। ठीक है, अब इसमें भी एलिमेंट हमने किस तरह से लिया है, HK के फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी है और सेकंड एलिमेंट 2 और 3 है, सिर्फ हमारे पास सेम हमने वैसे ही करना है जैसे हमने लेफ्ट कोसेट फाइंड किए, बस वहां पे हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लीकेशन की, यहाँ पे राइट साइड पे कर देंगे। जी देखिए, पहले आइडेंटिटी को हमने राइट मल्टीप्लीकेशन की एच के साथ, हमारे पास वो एज इट इज आ गया एच आ गया। ठीक है, अब हमने 1, 2, 3 के साथ एक साइकिल दिया हुआ है परम्यूटेशन का। ठीक है, इससे जब करेंगे तो आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, 3 एक साइकिल है, साइकिल किसके, परम्यूटेशन का। ठीक है, अब हम परम्यूटेशन बना के चलिए बना के हम देखते हैं। जी देखिए, ये हमारे पास परम्यूटेशन बन रही है 1, 2, 3, क्या परम्यूटेशन बन रही है 1, 2, 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, और इसी तरह से 2, 3 की बन रही है। अब जो एलिमेंट 1 नहीं दिया हुआ ना, तो जो एलिमेंट नहीं दिया होता उसका इमेज हमने वही नंबर बना देना होता है, 1 का इमेज हमने 1 बना दिया, तो ये हमारे पास परम्यूटेशन आ गई है। ये देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कौन सा साइकिल आ रहा है 1, 3। कैसे हमने किया, पहले हमने रखा 2, 3। ठीक है, राइट मल्टीप्लीकेशन करनी है ना हमने, तो राइट साइड पे हमने ये परम्यूटेशन रखी 1, 2, 3। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई हमने किया, मल्टीप्लाई कैसे किया, वही इमेज हमने चेक करनी है जैसे हम करते हैं यहाँ तक, यहाँ पे देखिए साइकिल फिर हमने बना ली, 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, एक साइकिल बन गया, 2 का इमेज 2 है, एज इट इज आ गया। 1 एलिमेंट वाले साइकिल नहीं होते, हमने इसे वैसे निकाल दिया, हमारे पास क्या आ गया 1, 3। इसे देखे, जब हमने की थी ना लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन की थी, तो तब हमारे पास 1, 2 आ रहा था। ये देखिए, जब हमने किया था ना लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया था 1, 2, 3 को, तो हमारे पास साइकिल आया था 1 और 2,
लेकिन अब जब हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास साइकिल आ रहा है 1 3। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन करनी है किसके साथ, 1 3 2। ये भी एक परम्यूटेशन है, जैसे हमने अभी सॉल्व किया 1 2 3 के साथ, आपने अभी इसे सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास साइकिल आएगा 1 और 2, यानी 1 का इमेज 2 होगा, 2 का इमेज 1 होगा, 3 का इमेज 3 ही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसे निकाल दिया गया। उसके बाद फिर अगर हम इन तीनों राइट कोसेट्स का यूनियन करें तो हमारे पास S3 ही बन गया। जब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमने हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है वो A4 है, ठीक है, यानी इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें परम्यूटेशन कितनी होंगी, 4 का फैक्टोरियल, 4 3s are 12 and 12 2s are 24, यानी इसमें 24 परम्यूटेशन होंगी, ठीक है। अब हमने जो सब ग्रुप लिया है वो उसका जनरेटर है 1 2 3, ठीक है। अब सब ग्रुप किस तरह का है कि उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है आइडेंटिटी है, सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 और थर्ड एलिमेंट है 1 3 2, ठीक है, ये परम्यूटेशन है, साइक्लिक परम्यूटेशन है। ओके, अब हमने क्या किया, फर्स्ट हमने किया लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है, एप्सिलॉन से की, यानी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से जब मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ गया एच, ठीक है। उसके बाद हमने की 1 2 और 3 4 से, ये 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं ये A4 के हैं, ठीक है, साइकिल हैं ये दो। अब इन साइकिल्स को हमने मल्टीप्लाई करने करके देखते हैं। जी देखिए, यहाँ पे साइकिल को यूज करते हुए मैंने परम्यूटेशंस बना लिया, 1 2 3 4, ये दो साइकिल्स हैं ना, इन दोनों को यूज करते हुए परम्यूटेशन करी, 1 का इमेज 2 2 का इमेज 1, ये एक साइकिल कम्प्लीट हो गया, 3 का इमेज 4 4 का इमेज 3, ये दूसरा साइकिल हो गया, ठीक है। अब ये 1 2 3 का साइकिल जब हमने परम्यूटेशन बनाई 1 का इमेज 2 2 का इमेज 3 3 का इमेज 1, अगर जो 4 है इसका तो कोई साइकिल ही नहीं है, इसका मतलब 4 का इमेज 4 ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 3 2, 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, ये साइकिल कंप्लीट हो गया और ये 4 जो है 4 का इमेज ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं नजर आ रहा, साइकिल में नहीं है। परम्यूटेशन बना रही है हमने, अब यहाँ पे देखे ना 1 2 3 4 को जब हम एप्सिलॉन से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो परम्यूटेशन एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब हमने 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है इस वाले एलिमेंट से, इस वाले परम्यूटेशन क्या है, ये 1 2 3, ठीक है, इस साइकिल से हमने मल्टीप्लाई करना करके देखते हैं। जी देखिए, हमने मल्टीप्लाई किसको करना था, ये 1 2 3 4 एक साइकिल, ठीक है, इस वाली परम्यूटेशन को 1 2 3 वाली परम्यूटेशन से हमने मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 वाली परम्यूटेशन आ गई और ये 1 2 3 वाली परम्यूटेशन आ गई, मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, 1 का इमेज देखा 2 में, राइट साइड वाली परम्यूटेशन हमने देखनी होती है, ठीक है, 1 का इमेज देखा 2 और 2 का इमेज क्या है 1, ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया, फर्स्ट रो तो एज इट इज आएगी ना 1 2 3 4। इसी तरह से 2 का इमेज क्या है 3 और 3 का इमेज क्या है 4, वो यहाँ पे आ गया। फिर 3 का इमेज क्या है 1, अब 1 का हमने इस वाले परम्यूटेशन देखा तो 1 का इमेज क्या आ गया 2, हमने यहाँ पे लिख दिया। 4 का इमेज 4 है, 4 का हमने इस वाले परम्यूटेशन देखा तो 4 का इमेज क्या आ रहा है 3, वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे साइकिल हमने बनानी है, 1 का इमेज 1 है तो ये 1 एक ही एलिमेंट आ गया इस साइकिल में, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, 2 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 2 है, ये आ गया, ठीक है। अभी एक एलिमेंट वाला हम कहते हैं साइकिल ही नहीं है, इसे निकाल देते तो हमारे पास क्या साइकिल आ गया 2 4 3। ये देखिए, जब हमने 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई किया 1 2 3 के साथ हमारे पास ये साइकिल आ गया 2 4 3, ठीक है। इसी तरह से अब हमने इस वाले परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करना है 1 3 2 के साथ, ठीक है, इसे आपने साइकिल बना लेना, 4 का इमेज 4 ही हो जाएगा, ठीक है। परम्यूटेशन बना के जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 4 3। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारे पास है 1 3 2 4, इस परम्यूटेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा सारे और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इन सारे लेफ्ट कोसेट्स को जब हम यूनियन करेंगे ना तो तब भी हमारे पास ये A4 आ जाएगा पूरा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ कोसेट्स, हमारे पास अब टॉपिक नंबर है 70। हमारे पास अब टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। यहाँ भी हमारे पास एक प्रोपोजिशन मौजूद है, वो कह रही थी अगर जी हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, और एच उसका सब ग्रुप है, ठीक है, फिर अगर हम दो एलिमेंट्स ले लें जी में से ए और बी, फर्स्ट हमारे पास है कि ए बिलोंग्स टू ए एच, मतलब जब हम लेफ्ट कोसेट लेंगे तो वो ए उससे बिलोंग करेगा ए एच से, ठीक है, ओके। फिर वो सेकंड है हमारे पास कि ए एच तब ही एच के बराबर आएगा अगर ये जो हम ए ले रहे हैं ना जी का एलिमेंट, ये एच का भी एलिमेंट हो, ठीक है। अब एच सब ग्रुप है ना इसका, जी के एलिमेंट्स होंगे एच में, अब जी के एलिमेंट हम कोई भी ले सकते हैं, अब जो हम ले रहे हैं वो अगर एच का भी एलिमेंट है तो फिर हम कहेंगे कि अगर ए एच है तो वो एच के इक्वल आएगा। अब इसके छोटा सा प्रूव है, फर्स्ट हमारे पास क्या था कि ए बिलोंग्स टू ए एच, अब देखें ए को हम लिख सकते हैं ना ए ई, ठीक है, ए जी का एलिमेंट हमने लिया ना ए ई लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है जी में, तो ई जो है ये एच की भी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये ए एच बन गया, बिलोंग कर गया इससे, तो ये प्रूव हो गया। अब सेकंड क्या है हमारे पास कि ए एच इक्वल टू एच है इफ एंड ओनली इफ ए इन एच, अब क्या दिया हुआ है कि हमने ये ले लिया कि ए एच इक्वल टू एच है, तो देन बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं ना कि ए इज इन ए एच, ठीक है, और ए एच किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, ठीक है, तो ये एक साइड जो है ये प्रूव हो गई। अब हमने सेकंड कंडीशन इसी फ्रेंड ओनली वाली की प्रूव करनी है, अब हमने लिया कि एच ए जो है ये एच का एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है तो फिर क्या होगा, ए एच एच में होगा, ये हमने अभी देखा बल्क लेयर प्रॉपर्टी भी होगा। इसके बाद वो कह रहे हैं कि कोई सा भी आप एच में से एक एलिमेंट ले लें, एच ले लिया, ठीक है,
फिर ए इनवर्स भी उसमें होगा एच में, ए मौजूद है तो ए इनवर्स भी तो होगा क्योंकि एच सब ग्रुप है, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमने कह दिया कि ए इनवर्स है। अब ये ग्रुप है तो क्लोज्ड भी है, मतलब तो अगर हम किसी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी हमारे पास एच में ही जाएगा। अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए इनवर्स और दूसरा ले लिया एच, ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके कोई एक नंबर आएगा, मैंने कह दिया कि वो बी आया, फिर बी जो एच में चला गया, ठीक है। सो फिर क्या हम कह सकते हैं कि एच को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए ए इनवर्स, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है ना, मैंने इसे इस तरह लिख लिया। फिर मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए इनवर्स एच, अब ए इनवर्स एच बी बन गया, ठीक है, ये अभी अभी जो हमने लिया, और बी किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है, कैपिटल एच का, ये हमने अभी अभी देखा। तो ये ए बी किस में चला गया, ए कैपिटल एच में, इसका मतलब इट फॉलोज दैट एच इज कंटेन्ड इन ए एच, एच चला गया ए एच में, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि ए एच इक्वल्स टू एच, फर्स्ट ये वाले जो हमने प्रूव किया कि ए एच इज कंटेन्ड इन एच, और दूसरा ये अभी अभी देख लिया कि एच भी कंटेन कर रहा है उसमें, कंटेन का मतलब है सबसेट, ठीक है, ये जो हम सबसेट के नहीं लिखते वो वाला, तो ये इक्वल आ गया। जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स आज हमने किया स्लाइड नंबर 361 तक, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।